50 यहाँ पे भुर्जी बनती है। ओके देखिए आप इसमें पड़ रहा है ऑयल, देखिए देखिए ऑयल डालने का स्टाइल भी देखिए इनका, गजब है भाई, गजब है गजब है। देखिए पूरा फायर के साथ, वाह 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 वाह, यहाँ पे हाथ में लिया और पूरा अंडा ये ताली के भी, बस आप काउंट करते जाना है, अब इसके बाद तो गिनना छोड़ देना पड़ेगा, बस आप देखते जाओ है ना। अंडे का अपना ये बन गया है, भुर्जिया भी है, वैभव भाई यहाँ पे ये सर कर रहे हैं, देखिए कितने स्पीड से अभी ये सर हो जाएगा, देखिए क्या बात है भाई, क्या बात है, वाह दादा ने खुश कर दिया सबको। फ्रेंड्स हम लोग ये सांगली में पहुंच चुके हैं और ये सांगली के अंदर ये दत्त भुर्जी करके यहाँ पे एक मास्टर है, क्योंकि ये सांगली में यूज क्वांटिटी में ये यहाँ पे एक की रेसिपी करते हैं, कम से कम ये 50 से ज़्यादा ये अंडे की वैरायटी के यहाँ पे डिश बनाते हैं और एट ए टाइम यहाँ पे ये दत्त भुर्जी पे 50 या 100 अंडे की यहाँ पे भुर्जी बनती है। यहाँ पे ये दत्त भुर्जी सांगली में ऐसा क्या कमाल कर रही है कि यहाँ पे भीड़ भी उतनी लगती है ये एक भुर्जी के लिए और इनके बाकी के डिशेज के लिए। तो चलिए दिखाते आपको ये यहाँ पे 50 अंडे की ये एक भुर्जी कैसी बनती है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे ये दत्त भुर्जी पे अभी ये सांगली के अंदर ये 50 अंडों की भुर्जी बनने जा रही है। तो दादा आपका क्या नाम है? वैभव। वैभव, तो ये देखिए ये दत्त भुर्जी के ओनर यहाँ पे अभी 50 अंडों की भुर्जी बनाने जा रहे हैं। देखिए कितना ह्यूज क्वांटिटी में ये कांदा इसमें कट करके रखा है और अभी ये पूरा कांदा यहाँ पे फ्राई होने जा रहा है। तो ये अपने 50 अंडों की भुर्जी की यहाँ पे रेसिपी स्टार्ट हो चुकी है। तो दादा इसे ये आपके भुर्जी में क्या अलग होता है जो सांगली कर आपके यहाँ ये खींचे आते हैं अंडा भुर्जी खाने के लिए? भुर्जी बनाते हैं। अच्छा, तो ये कितने साल से आपका ये अंडा भुर्जी का ये शॉप लग रहा है, गाढ़ा लग रहा है यहाँ पे? अच्छा कितना? 35 ईयर से। देखिए और तब से लेके आप ये अंडे के कितने वैरायटी के यहाँ पे ये डिशेज बनाते हैं वैभव भाई? अच्छा देखिए इनका ये टमाटो काटने का स्टाइल भी देखिए कितनी गजब की है। देखिए पूरा हाथ में पकड़ के, क्योंकि बहुत सी जगह पे उसको ये प्लेट वगैरह या तख्ता जो भी कहेंगे वो लेते, लेकिन डायरेक्टली ऑन द स्पॉट वहाँ से उठाया और काट 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 काट, देखिए पूरा नीचे, क्या बात है क्या बात है, वाह भैया वाह, बिल्कुल ये चेन्नई एक्सप्रेस की जैसे ये टमाटर काट रहे स्पीड में। और यही ये वैभव भाई की खासियत है, इनका जो बनाने का जो स्टाइल है, इनका जो तरीका, ये सांगली के अंदर किसी के पास नहीं है। और वैसे तो इनका ये शॉप जैसे बता रहे 35 ईयर्स पुराना है और इनका ये बनाने का स्टाइल भी यूनिक है, इसीलिए ये सांगली कर यहाँ पे ये भुर्जी वगैरह अंडे की जितनी भी इनकी डिशेज लगती है काफ़ी वैरायटी की, ये यहाँ का इंजॉय करने आते हैं। आप क्या डालेंगे? ऑयल। देखिए आप इसमें पड़ रहा है ऑयल, देखिए देखिए ऑयल डालने का स्टाइल भी देखिए इनका, गजब है भाई गजब है गजब है, क्या बात है क्या बात है, वाह देखिए थोड़ा करीब से भी देखिए, ओह देखिए पूरा फायर के साथ, वाह 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 वाह, ये तो अभी आपके ऊपर शूट हो रहा है डायलॉग है ना, उस पर समझ के फायर है फायर। हाँ बढ़िया, अच्छा भुर्जी वाला है, उसका नाम सुन के फ्लावर समझा क्या, फायर है फायर, हाँ फ्लावर नहीं। हाँ अंकल कितने साल से भुर्जी खाते? 5 साल से भुर्जी खा रहा है मैं यही गाड़ी पे, सिंगल नहीं डबल 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 ऑमलेट भी खा रहा है। क्या नाम है सर आपका? सागर धारिया। थैंक यू। रत्नागिरी। ओ रत्नागिरी से, रत्नागिरी। अरे अमी कोकनी, क्या बात है। अभी ये ऐड हो रहा है सॉल्ट। अच्छा ये सॉल्ट भी आप अलग यूज कर रहे हैं ना, ये सिंधिया नमक होता है ना? हाँ। बढ़िया है, ये हाई क्वालिटी का एकदम जबरदस्त वाला सॉल्ट यूज कर रहे हैं देखिए। और इसमें ये इनके मसाले पड़ रहे हैं, देखिए ये 50 अंडों की भुर्जी के लिए अभी इतना ह्यूज क्वांटिटी में यहाँ पे ये कांदा टमाटर अभी इनका ये ऑयल मसाला सब इसमें अभी आ चुका है देखिए। अब इसको पूरा अच्छे से फ्राई करके लेंगे। हाँ देखिए और इनका ये मसाला ऐड हो रहा है इसमें देखिए। पूरा ये अभी तड़ा के बाद इसमें अंडा भुर्जी बनने वाली है। अब इसको फेसबुक पे आने में कितना टाइम लगेगा? परसों आएगा। क्या नाम से आएगा ये खाने का शौक? इनके नाम से आएगा दत्त भुर्जी। देखिए कितना इन्होंने ये इसमें पूरा स्पाइसेस मसाला वगैरह इनका डाल दिया है। और देखिए ये भैया यहाँ पे ये गिन के 50 अंडा निकाल रहे हैं ना। हाँ। ये एक ट्रे में 30 अंडा होता है और एक में 20 है ना। यानी देखने वाले को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बस उल्लू बना रहे, पूरा देखिए आप गिन सकते हैं पूरा, ये एक ट्रे पूरा फुल और ये इधर गिन के ये 20 अंडा है ना। हाँ। पूरा 50 अंडा निकाला है देखो इसमें।
वैभव भाई, ये पूरे सांगली में आपका ये कैसा शॉप है जो इतने ह्यूज क्वांटिटी में ये अंडा भुर्जी वगैरह सब बनता रहेगा, है ना? जिले में, पूरे जिले में, सांगली जिले में। हाँ। क्या बात है, और इधर ही पूरा भीड़ रहता है। हाँ, भीड़ तो ये क्राउड दिख रहा है ना इनका, दो जगह पे ब्रांच है। हाँ, बोलते हैं सर, कहाँ पे रहता है? अच्छा, ओके। और ये मेन आपका यहाँ पे ब्रांच है, उधर क्या भाई वगैरह चलाते रहेंगे ना? अच्छा, इसमें अभी सीधा अंडा पड़ेगा। तो देखिए, अभी ये वैभव ने अंडे का ट्रे पे हाथ में लिया और पूरा अंडा ये ताले गया। अभी पहला, फर्स्ट, सेकंड, ये अगर तीसरा, ये चौथा, बस आप काउंट करते जाना है। पांचवा, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, बस आप इसके बाद तो गिनना छोड़ देना पड़ेगा। बस आप देखते जाओ, है ना? ठीक है, पूरा 30 के 30 अंडा भी पहले जाएगा, उसके बाद 20 अंडा जाएगा। देखिए, पूरा ट्रे खत्म होने को है, पूरा ट्रे खत्म होने को है। लगभग 20 अंडा के ऊपर इन्होंने ये अंडा इसमें अभी डाल दिया। तो देखिए, ये वैभव भाई ने अभी अपना पहला ट्रे यहाँ पे फिनिश किया है 30 अंडे का। तो अभी ये देखिए, अभी इसको वापस मिक्स करना है क्या, डालना है वापस वो 20 और? अच्छा, पूरा एक साथ डाल लेंगे। हाँ। देखिए, अभी ये नेक्स्ट ट्रे, देखिए आपको दिख रहा है ये 21 इसमें है, और अभी ये भी पूरे जाएंगे, यानी पूरा 50 अंडा एक साथ इसमें जा रहा है अभी। हाँ। क्या बात है, क्या बात है। देखिए, और नीचे ये जैसे आप देख रहे हैं, ये पूरा कढ़ाई इनका यहाँ पे फूल हो रहा है, और बल्क जैसे देखिए, पूरा स्विमिंग पूल यहाँ पे अंडों का लग गया ये। देखिए, पूरे ये जितने भी यहाँ पे येलो कलर के जो बल्क दिख रहे, पूरे यहाँ पे ये स्विमिंग पूल में तैर रहे। देखिए, इतना ये अंडे का इन्होंने इसमें ढेर लगा दिया है। बढ़िया बढ़िया, देखो पूरा कट टू कट ये अभी फूल हो रहा है, पूरा कट टू कट फूल हो रहा है। क्या बात है, क्या बात है, वाह, फिनिश। देखिए, पूरा 50 का 50 अंडा ये वो भाई ने इसमें डाल दिया है। अब बस इसको आगे का रेसिपी रहेगा, है ना? और देखिए देखिए, बढ़िया, ये अभी पूरा डीप से हिलाना स्टार्ट कर दिया इन्होंने। ये अभी भुर्जी का ये क्या, नीचे से इसका सब बनना स्टार्ट होगा, ऊपर आएगा आहिस्ता आहिस्ता। देखिए, ये दिख भी रहा है, ये आहिस्ता आहिस्ता नीचे से जितना भी अंडा ये पूरा पूरा वहाँ से फ्राई होके ऊपर आ रहा है। गजब की रेसिपी है भाई, 50 अंडों की भुर्जी, अंडा भुर्जी, अंडा भुर्जी। और जैसे ये वैभव सर बता रहे, पूरे सांगली जिले में, पूरे डिस्ट्रिक्ट में ऐसा अंडा कोई बनाता नहीं है, और इतना ह्यूज क्वांटिटी का तो कोई भी नहीं बनाता है। ये पूरा 50 अंडों की रेसिपी को कितना समय लगता है वैसे तो? 20 मिनट में लगता है। अच्छा, 20 मिनट में 50 अंडे की ये रेसिपी फिनिश करते हैं, भुर्जी की खत्म होने में कितना टाइम लगता है ये कढ़ाई को? 10 मिनट में खत्म। अच्छा, यानी जितना टाइम बनाने में लगता है उससे कम टाइम में ये फिनिश होता है। देखिए, पूरा भी ये नीचे से उसका पूरा फ्राई होके आ रहा है। देखिए, आहिस्ता आहिस्ता ये पूरा मिक्सअप करते जा रहे हैं। तो ये आपके पिताजी से ये आपको देन मिली, क्या नाम है आपका पिताजी का? नंदू भुर्जियाले। ये पूरे ने सांगली डिस्ट्रिक्ट में नंदू भुर्जियाले करके उनको पहचानते हैं। और व्यूअर, जैसे आप सांगली के बस स्टैंड पे उतरोगे, आपको सीधा सामने ही यहाँ पे ये दत्त भुर्जी सेंटर दिख जाएगा। या आप किसी को अगर पूछ भी लेंगे ये नंदू भुर्जियाले या दत्त भुर्जियाले, तो कोई भी आपको वहाँ से पता बता देगा। आपका टाइमिंग क्या होता है बाबू सर? 12 बजे। अच्छा, यानी पूरा दिन भर ये अगर नाश्ता करना है, लंच करना है, डिनर करना है, तो यहाँ पे आ सकता है। देखिए, इधर बनना भी स्टार्ट ही है, अभी तक चल ही रहा है रेसिपी, और भीड़ देखिए कितना लगा है भुर्जी के लिए ऑलरेडी। तो जैसे ये बता रहे वैभव भाई, क्या बनने में 20 मिनट लगता है और ख़त्म होने में 10 मिनट लगता है। कोई सिंगल लेता है, कोई डबल लेता है। मेरे को भी डबल दे। हाँ, देखो अंकल भी डबल खाएंगे अभी। और देखिए, ये 50 अंडों की ये भुर्जी यहाँ पे रेडी होना स्टार्ट हुई है, और यहाँ पे ये प्लेटें भी लग रही है। देखिए कितने स्पीड में ये यहाँ पे प्लेटें लग गई, देखिए वैभव भाई की।
नीचे भी प्लेटें लग रही है, ऊपर भी प्लेटें लग रही है, पूरा ये 50 अंडे का भुर्जी जैसे ये बोले कि 20 मिनट में बनेगा, 10 मिनट में फिनिश हो जाएगा। देखिए और रस देखिए भाई, पूरा रस यहाँ पे बढ़ते जा रहा है। मान लो जैसे ये अंडे के लिए मेला लगाया है ना, महाराष्ट्र के ऑल ओवर इंडिया की इधर वर्ल्ड में नहीं है, पूरे पीछे से इधर से उधर से चारों साइड से ऑर्डर आ रहा है ना, वैभव डबल दे सिंगल दे। हाँ पब्लिक बढ़ गया, पब्लिक बढ़ गया, पब्लिक बढ़ गया। देखो देखो स्टार्ट करेंगे अभी। चलिए देखिए अंडे का अपना ये बन गया, भुर्जिया भी है, वैभव भाई यहाँ पे ये सर्व कर रहे थे कि कितनी स्पीड से अभी ये सर्व हो जाएगा। देखिए क्या बात है भाई, क्या बात है, वाह। अंडा भुर्जी बनाने में चेन्नई एक्सप्रेस, सर्व करने में झेलम एक्सप्रेस, अरे वाह, अरे वाह वाह, ये तो राजधानी के स्पीड से दौड़ रहे आप। देखिए दाएं बाएं आगे पीछे सब जगह पे भुर्जी भुर्जी, बढ़िया बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है, वाह। कोई बाबा कभी नींद में ऐसा उठ के ऐसा चिल्लाते हैं क्या भुर्जी? हाँ नींद ऐसा देता है ना, इनको चिल्लाने की जरूरत नहीं, ग्राहक आके चिल्लाता है इधर। उनकी स्पीड देखिए ना, स्पीड देखिए ना, पूरा बात करने की जरूरत ही नहीं, इनका खाली हाथ घूमता रहता है। देखिए कम से कम ये 30-35 प्लेट तो आराम से अभी लग गई। हाँ ऐसे बोला तुम्हें, झोपल्यावर पण भुर्जी बनवतो। देखिए पूरा फिनिश, बराबर बोले थे भाई 20 मिनट में बन रहा है, 10 मिनट में फिनिश। हाँ देखिए अभी ऊपर से हरा धनिया, देखिए हरा धनिया क्या जबरदस्त, देखिए भाई गजब है, गजब है भाई। नींबू नींबू देखो ऊपर से नींबू, देखिए अभी एक साथ पूरा ब्रेड भी फ्राई करेंगे, गरम करेंगे, बढ़िया बढ़िया, दादा ने खुश कर दिया सबको। देखिए ये पहला, ये दूसरा गया, ये तीसरा गया, ये चौथा गया, ये पांचवा गया, देखिए क्राउड कितना है, देखिए पूरा ये भुर्जी के लिए कितना क्राउड लगा है, देखो फिनिश हो गया वैभव भाई, थोड़ा तीन ही रहेगा, बस तीन ही रह गया, वो भी चला जाएगा अभी, ये एक मिनट में जाएगा। तो अभी ये पूरा फिनिश हो गया, ये अभी आपका लास्ट का भुर्जी, क्या बात है दादा, वाह। चलिए भाई थैंक यू, थैंक यू वेरी मच वैभव भाई।